ओके एनी मोर बेसिक्स स्कैल्प बहुत ही बेसिक है सिंपल है और लोग सोचते नहीं है और करते नहीं है स्कैल्प आपके चेहरे के स्किन से रिलेटेड है बहुत हंड्रेड परसेंट रिलेटेड है जी तो आपका अगर इधर डैंड्रफ है जो आप स्क्रैच करोगे तो इसमें बर गया नेल बेड में तो वो देखो आप और फिर आप ऐसा बोलोगे तो चिपचिप -चिप हो जाएगा या आप सोचते हो कि बाल बैठ रहा है तेल तेल हो रहा है तो ये सब चीज़ें नहीं होने का तो ये सेबोरिया हो सकता है सेबोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है आ, कभी कभी सेबोसोराइसिस हो सकता है सिर्फ डैंड्रफ हो सकता है सिर्फ ड्राई स्कैल्प हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाके उसको पहला साफ़ करना बहुत ज़रूरी है स्कैल्प साफ रखेंगे तो ही स्किन साफ रहेगा जी और दूसरा चीज़ है स्कैल्प का ऑयल बढ़ रहा है तो इन्फ्लमेशन उसके साथ बढ़ेगा तो आपको वो भी ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है तो बाल धोना पहला दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बाल रोज धोने से बाल नहीं झड़ते हैं वो और भी इम्पॉर्टेंट है जानना

कि हम रोज शैम्पू नहीं करेंगे क्योंकि सब बॉयज को आजकल ट्वेल्व ईयर बॉय को भी ये लगता है कि बाल जा रहा है, है? हाँ, हाँ।, हाँ।, हाँ तो बाल नहीं धोते हैं पता नहीं किससे वो सुना है तो इसलिए वो डैंड्रफ और कचरा हो जाता है उसमें फिर सब लोग जैसा आपने बोला है जिम कर रहे है तो उसके वजह से और इधर स्वेट होके और कचरा हो रहा है और वो भी वही बैठ रहा है फिर आप लोग जेल वेल डालते हो वो भी उसके ऊपर बैठा है और कचरा हो रहा है तो स्कैल्प अनलेस यू क्लीन इट अप इट विल अफेक्ट येर सो प्लीज क्लीन द स्कै और इसकी वजह से बैक एक्ट पे बम पे एक्ने होता है बैक पे होता है शोल्डर पे होता है फर्स्ट देखो आपकी स्कैल्प क्लीन है um, में हमें बताया जाता है कि uh, at least मेरे आस पास के सारे लोगों को यही रूल बताया जाता था और हम सभी ने यही फॉलो किया था एंड इट वर्क फॉर मेनी गाइस

ईस्ट है या फंगस है उसको आप रोज नहीं ही मारेंगे उसको ग्रो होने देंगे एक दिन मारेंगे ग्रो होने देंगे एक दिन में तो वो क्रॉनिक डैंड्रफ मतलब वो लंबा चलेगा जाएगा ही नहीं तो प्लीज जब भी डैंड्रफ है और एंटी डैंड्रफ शैम्पू डॉक्टर ने दिया है या आपने खुद खरीदा है सोचो जी ओवर द काउंटर उसको एटलीस्ट एक ट्वेंटी डेज तीन हफ्ते के लिए रोज यूज करना रोज रोज यूज करना ताकि वो एक्चुअली ईस्ट पूरा कंट्रोल हो जाए जी फिर चाहिए तो आप तीन दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार यूज करो उसको कंट्रोल में रखने के लिए लेकिन पहला नहीं तो ट्रीट ही नहीं होगा अब दो दो, -दो दिन करके निकालते रहोगे तो हुँ. और बहुत ज्यादा डैंड्रफ है पीठ में सब छोटे छोटे व्हाइट बॉइल्स जैसा है तो आपका वो फंगस बहुत ही है वो ईस्ट बहुत ही है जी। तो डॉक्टर के पास जाके कभी कभी ओरल दवाई लेने से कभी सिर्फ दो दिन के लिए देंगे कभी पल्स थेरेपी बोलते हैं अभी दो दस दिन के बाद देंगे देंगे कभी कभी लगता है कि बहुत ही खराब है तो एक हफ्ते के लिए देंगे ऐसा आपने ओरल दवाई लिया तो वो बहुत कंट्रोल में जल्दी आ जाएगा और ट्रीट हो जाएगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डैंड्रफ नहीं रहे Um, और डैंड्रफ के टाइम पे प्लीज तेल लगा के मसाज मत करना क्योंकि आई पर्सनली फील कि मैं भी डैंड्रफ के प्रॉब्लम से गुजरा हूं टीनेज में आपको एक्ने है तो होगा ही शायद रिलेटेड hmm. hmm. है कि शायद ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है yeah. uh, पर uh, ये जो तेल की आदत मेरे बचपन से थी आई पर्सनली फील कि अब जो मेरी हेयर की हेल्थ है डेफिनेटली पार्शियली जेनेटिक है पर कुछ तो रोल रहा होगा ब्यूटीफुल हेयर यू हैव आ, कुछ तो मतलब मेरे बाल झड़ते नहीं अभी तो मैं बॉडी का ख्याल छोटा-छोटा हाँ मतलब है नहीं बॉडी <laughs> शायद बगीरा बगीरा, हाँ, बगीरा। <laughs> पर अ हाँ। मैं तेल को लेकर ना मैंने अलग-अलग चीजें सुनी हुई है कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए भारत में भारत की मम्मीओं से जाकर आप ये कहिए नो नो मैं तो मम्मीओं की फेवरेट हूं हमेशा प्लीज लगाइए तेल मेरा भी मानना ये है कि <laughs> no, no, इस्पेली और ये ना ये मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा कहता हूँ और फिर आने वाले तीन चार हफ्तों के लोग वही तेल के बारे में पूछते हैं मेरे लिए और ये मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ पर अगर आपको नहीं लेनी है मत लो पर एक आयुर्वेदिक तेल है जिसका नाम है महाभृंगरज जो एक्चुअली हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है आयुर्वेदिकली ब्रांड का नाम नहीं है बस तेल का नाम जैसे नारियल का तेल होता है उसी तरह महाबरिंग तेल बस कहा जाता है कि ठंडियों में नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत मोटा तेल होता है आई डोंट नो द लॉजिक पर उस तेल की वजह से मेरे स्कैल्प को बहुत ज्यादा फायदे मिले really? हाँ और आज भी मतलब मैं वैक्स लगाता हूँ शूट्स के लिए हाँ। और ये हर दिन लगानी पड़ती है पर मेरी पोस्ट स्टाइलिंग हेयर केयर रूटीन बहुत लंबी है Uh, अच्छे से महाब्रिंगर्स तेल के साथ हर दिन मसाज करता हूँ स्कैल्प hmm. को uh, और एक माइल्ड शैम्पू विच इज ऑयल बेस्ड उसे यूज़ करता हूँ ताकि तेल भी निकल जाए स्कैल्प भी साफ़ हो जाए uh, और मैं ब्रेक्स देता हूँ मतलब वीकेंड्स को फिर uh, क्योंकि शूट नहीं कर रहे हैं तो तब नहीं लगाता हूँ एंड जनरली मुझे आई डोंट हैव टू फेस हेयर लॉस डेफिनेटली यहाँ योगा प्राणायाम डाइट का भी हाथ है पर स्पेसिफिकली आई फील कि जब मैंने रेगुलर तेल मालिश की आदत स्टार्ट करें मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तेल जी। तेल के लिए ओके okay? तेल और बाल के लिए वन जब भी, भी आप तेल लगाओ क्लीन स्कैल्प पे लगाओ हमारा ये है बचपन से कि नहाने से पिछला दिन तेल लगाओ राइट right? नहाने से पहले तेल मसाज करो बट वो नहीं करना चाहिए क्योंकि नहाने से पहले हमारा स्कैल्प मोस्ट गंदा है इसीलिए हम नहा रहे हैं और आप उसमें तेल डाल के अच्छे से मालिश करोगे तो आपका सर का तेल खुद का सर का तेल स्वेट प्रोडक्ट सब तो अंदर डस्ट पोल्यूशन सबको आप धकेल रहे हो अंदर मसाज कर करके सो so, उसमें एक चीज हो जाता है फॉलिक्यूलाइट मतलब इधर छोटा छोटा पिंपल जैसा हो जाता है बाल में स्कैल्प पर पिंपल। करेक्ट तो वो नहीं करना चाहिए लेकिन तेल कैसा लगाना चाहिए बाल में लगाना चाहिए आपका तेल बाल के लिए तेल बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी स्कैल्प में प्रोड्यूस हो रहा है तेल वो लंबा तक नहीं आ रहा है ना और ड्राई किधर हो रहा है एडजस्ट में ड्राई थोड़ी इधर हो रहा है एडजस्ट में हो रहा है तो आप बहुत सारी तेल लगा के ऐसा मसाज करो सो यू आर कामिंग द क्यूटिकल्स उसको एसी डायरेक्शन में मसाज करो ताकि वो सब अच्छे से नीचे आए आप तेल लगाओ वी डिड डिडल ऑफ साइंटिफिक स्टडीज ऑन तेल तो उसमें हमने देखा है कि वो शैफ्ट पेनिट्रेट करता है तेल ऐसा नहीं कि ये शैफ्ट मर गया तेल डाल के यूज नहीं है बोलते हैं ना शाफ्ट मतलब जो हेयर की बॉडी होती है हेयर की ये है है ये ये शाफ्ट है। जी ये जी रूट जी। है अंदर में तो उसके अंदर रूट है ये शाफ्ट है सब बोलते हैं ये मर गया है ये course, मर गया है इसमें जान नहीं है लेकिन तेल इसके अंदर जाता है और इसका जो बाहर की लेयर होते हैं जो कैरेटिन हम बोलते हैं वो रफ हो जाता है इसीलिए आपका बाल रफ हो जाता है और बाल में शाइन चला जाता है क्योंकि कैरेटिन अगर एक अच्छे से ऐसा नहीं बैठा है ऐसा 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 उठ गया है तो वो लाइट को इक्वली बाउंस नहीं करेगा तो शाइन नहीं दिखेगा जो बाल का कैरेटिन अच्छा है बाल हेल्दी है उसमें शाइन रहता है उसके लिए तेल चाहिए सो यू कैन अप्लाई तेल ऑफ कोर्स तेल तेल आपको पसंद नहीं है तो डीप कंडीशनर अप्लाई करो जी व्हिच इज क्रीम फॉर्मेट ऑफ इट तो तेल लगाना बाल में सर में नहीं hmm. सर में अगर आप यू एंजॉय तेल मसाज बिकॉज़ इट इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई

तो वो कर सकते हैं तेल मसाज बट अगर आपको ऑयली स्कैल्प है सिंस ये ये एपिसोड एक्ने के बारे में एक्ने प्रोन स्कैल्प है डैंड्रफ है तो प्लीज आप स्कैल्प में तेल डाल के मसाज मत करना गंदे स्कैल्प पे hmm. बाल में तेल लगाना जिधर जरूरी है हम hmm. तो बेसिकली सिर्फ नहाने के बाद आपको मालिश करनी चाहिए क्लीन स्कैल्प पे क्लीन स्कैल्प पे पर uh...

और आप शैम्पू तीन बार करोगे दो बार करोगे क्योंकि आपको लगता है वो तेल निकलना चाहिए जी। उसके वजह से ड्राई हो रहा है तेल डालने से नहीं ड्राई होता है बाल तो आप तेल भी डालो तो आप तेल डाल के बाद में एक ही रिंस शैम्पू चाहिए बस वो जाएगा तेल और जितना जरा सा कोट रहना चाहिए वो रहेगा विच इज अच्छा है इसलिए आप ऐसा तेल चूज करो जो आपको फ्रेगरेंस पसंद है या वो डाल रहे हो तो थिक ना लगे जी. तो यू चूज दैट काइंड ऑफ एन ऑयल तो यू डोंट ये मत करो कि तेल डाला है करके मैं तीन शैम्पू दो शैम्पू डाल के उसको घस के निकालूंगी सो दैट्स व्हाट मेक्स इट ड्राई आप ये मानते हो कि लॉन्ग टर्म में तेल डालने की वजह से हेयर की हेल्थ बढ़ती है hmm, हेयर टूटता कम है स्प्लिट हैंड्स कम हो जाता है हेयर का शाइन बरकरार रहता है, है आप ऐसा सोचो कि स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जो काम करता है हेयर के लिए तेल वो काम करता है कंडीशनर वो काम करता है जी वो डीप ट्रीटमेंट्स जो करते हैं सैलून में कंडीशनिंग वो वो काम करता है